हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी ड्यू फॉल के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। फाइनली उनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो एडमिशन आपको कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहने वाली है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑफिशियल व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो अब जो फाइनली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है, तो अब उनके माइंड में बस एक ही बात है, आपको स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपके सर पर है और आपको अभी तक स्टडी मटेरियल का कुछ पता नहीं है कि स्टडी मटेरियल कब मिलेगा और ना ही इसकी सॉफ्ट कॉपी ऑफिशियल ड्यू फॉल की साइट पर अपलोड है। तो यानी आप कह सकते हो ना आपके पास हार्ड कॉपी है और ना ही आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, तो आप पढ़ोगे कैसे। तो देखो, स्टडी मटेरियल आपको कब मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो थर्ड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है। जब तक सब बच्चे अपना एडमिशन नहीं करा लेते जब तक आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब बच्चे जब अपना एडमिशन करा लेंगे उसके बाद ही वो अपना स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको 15 नवंबर के बाद ही आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। ये भी हो सकता है कि जिन बच्चों ने एडमिशन करा लिया है उनके लिए स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दे, बट लेकिन 99% चांस ये है कि जब एडमिशन आपके ख़त्म हो जाएंगे, जब 15 नवंबर लास्ट डेट फिनिश हो जाएगी, उसके बाद ही आपको स्टडी मटेरियल मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि 15 नवंबर लास्ट डेट है और आपके एग्ज़ाम जो है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट है। यानी कि आपको 15 नवंबर के बाद भी आपको पूरा एक महीना मिलने वाला है 15 दिसंबर तक। तो ऐसा हो सकता है कि आपको स्टडी मटेरियल आपका 15 नवंबर के बाद ही देखने को मिले। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो कहीं ना कहीं 15 नवंबर के बाद देखने को मिल सकता है। और जैसे ही ऑफिशियल ड्यू फॉल की साइट पर इसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दी जाएगी तो हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, ताकि आप वहाँ पे भी अपने सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें। वैसे तो आप यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ें, अपना जितना भी यूट्यूब से जो भी आपको सब्जेक्ट मिलता है उसको पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। तो ऐसी अपडेट के लिए अपडेट फॉल को आप ज्वाइन कर लेना, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे।